जान जाती थी जिनके जाने से कभी, अरे जान चली जाती थी जिनके जाने से कभी, हमने उनको भी अपनी ज़िंदगी से जाते देखा है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि हम लोग झारखंड स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने झारखंड भूगोल की संपूर्ण श्रृंखला को पढ़ा दिया या तो फिर झारखंड आर्ट एंड कल्चर की संपूर्ण श्रृंखला को पढ़ा दिया। आपको यदि बेहतरीन तैयारी करना है ना, एक ऑफलाइन बैचेस के जैसा मज़ा लेना है और अच्छा से पकड़ बनाना है, और इसी चैनल पर हम लोग सेट प्रैक्टिस की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें सेट प्रैक्टिस आपके रेगुलर अब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। और हम लोग सेट प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करने वाले हैं जैसे सीजीएल के लिए भी और जेपीएससी वगैरह के लिए भी, या झारखंड पुलिस आगामी जो आने वाले हैं उसके लिए भी। तो आइए जानते हैं जो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सीरीज की संपूर्ण श्रृंखला में झारखंड स्टैटिक जीके की एक नहीं दो क्लासेज आज कम्बाइन है, और वो दो क्लासेज कौन कौन सी है दोस्तों। झारखंड में प्रमुख स्टेडियम छोटा सा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, और एक है झारखंड में संचालित प्रमुख ऑपरेशंस। अब देखिए, ये ऐसी श्रृंखला है जिसको मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ाते हैं ओवर कॉन्फिडेंसी के कारण, है ना। लेकिन जब प्रश्न पूछता है ना तो दिमाग घुमा देता है। चाहे भारत के स्तर का पूछे, जब हम भारत की योजनाओं के बारे में ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे तो भारत के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी झारखंड की क्लासेस की चर्चा कर रहे हैं हम, तो झारखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आइए आज हम लोग इन दोनों श्रृंखलाओं को देखेंगे और अच्छा से इसको अध्ययन करेंगे और नोट डाउन करते चल जाएंगे। तो झारखंड में प्रमुख स्टेडियम कौन कौन सी है, तो मोहन आहूजा स्टेडियम कई बार पूछा गया है जमशेदपुर में, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स स्टेडियम जमशेदपुर में। देखिए, टाटा से संबंधित लगभग जितने भी चीज़ होंगी वो जाहिर सा बात है जमशेदपुर में ही होगा, उन्हीं के नाम पर उनका नाम टाटा नगर भी पड़ा है, है ना। बिरसा स्टेडियम रांची में, जयपाल सिंह स्टेडियम, बेसिकली जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर था ये, मरांगोम के भी कहते हैं इनको, है ना, यह ध्यान दीजिएगा, रांची में। मैकॉन स्टेडियम रांची में, शताब्दी स्टेडियम रांची में। ये एक एक चीज़ आपको याद रखना है, छोटा सा ही टॉपिक है, स्टैटिक जीके की श्रृंखला है दोस्तों, इसमें समझाने का कुछ नहीं रहता है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा से समझाता। और अगर आपको समझ के क्लास करना है तो आप भूगोल की क्लासेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा से मैप के साथ वहाँ समझाया गया है आपको, है ना। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो हॉकी के लिए बेसिकली, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम रांची में ही है दोस्तों। JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो भी वनडे या तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होती हैं रांची में, आप जानते होंगे टिकट वगैरह कटवा के कभी आप गए होंगे, है ना, तो वो रांची में ही है JSCA स्टेडियम। खेलगांव स्टेडियम रांची में ही है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रश्न पूछेगा यहाँ से, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में। इंडोर स्टेडियम दुमका में, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, जाहिर सी बात है अल्बर्ट एक्का जो थे वो गुमला से ही संबंधित है, तो गुमला में ही होगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, उनके सम्मान में गुमला में स्थापित किया गया दोस्तों। डिगवाडी स्टेडियम धनबाद में। गोल्फ मैदान, ये देखिए गोल्फ मैदान के नाम से दो जगह स्टेडियम स्थापित है, धनबाद और जमशेदपुर दोनों में। गोल्फ एक तरह से बहुत महंगा खेल माना जाता है ये गोल्फ मैदान, गोल्फ जो है, और इसके भी मैदान डेवलप है यहाँ पर। झारखंड हमारा खेल के प्रति बड़ा सजग राज्य है, है ना। अगर हम बिहार की बात करें तो खेल के प्रति उतना सजग राज्य नहीं है, लेकिन बिहार के ईशान किशन ने, आप लोगों ने देखा इसको करंट अफेयर में, आप नोट डाउन कर लीजिए कि IPL के इतिहास में ईशान किशन दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 15.5 करोड़ में वो बिके, 15.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा उनको, है ना। इससे पहले युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा गया था, जो अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, है ना। अब दूसरे ईशान किशन, इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन हो गए, बिहार के नवादा से संबंध है उनका, है ना। हजारीबाग स्टेडियम, या इसी को करजन ग्राउंड के नाम से जानते हैं दोस्तों, हजारीबाग में है। और बेसिकली देखिए, किनन स्टेडियम एक तो है, किनन स्टेडियम भी आपको जानना चाहिए कि किनन स्टेडियम कहाँ है। तो किनन स्टेडियम जो है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, किनन स्टेडियम जो है वो भी जमशेदपुर में है दोस्तों। किनन स्टेडियम कहाँ, जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम, ध्यान में रखना है आपको। अब आइए झारखंड से संबंधित प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है। अब हम लोग झारखंड में प्रमुख
ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। ये ऑपरेशंस क्या है, देखिए जैसे पुलिस विभाग के द्वारा या सीआईडी के द्वारा या तो और किसी ऐसे विभाग के द्वारा, खुफिया एजेंसियों के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा ये चलाई जाती है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ सब याद नहीं रखना है आपको, क्या याद रखना है यहाँ पर देखिए, झारखंड नक्सल प्रभावित राज्य है, आप जानते हैं इस बात को, एकदम अच्छा से समझिएगा इसको, झारखंड नक्सल प्रभावित राज्य है। अब जितनी भी ये ऑपरेशंस चलाए गए दोस्तों, वो बेसिकली चलाए गए चाहे तो नक्सलियों को सुधारने के लिए या नक्सल मुक्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र को, या तो फिर नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये ऑपरेशंस चलाए गए। अब इन्हीं में से एक दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जो नक्सलियों से संबंधित नहीं है, तो बेसिकली आप नक्सलियों वाला जो है एक तरफ करके याद रख लीजिएगा कि ये सब जो है नक्सली से संबंधित है, और जो एक आध को यूनिक मिलेगा आपको, उस यूनिक को आप याद कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। आइए देखते हैं और अच्छा से समझते हैं। जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट, देखिए पहले भी बता चुके हैं हम लोग, नक्सलवाद के विरुद्ध 2009 में संचालित यह अभियान था, नक्सलवाद के विरुद्ध ये संचालित हुआ था अभियान दोस्तों, है ना, नक्सलवाद के विरुद्ध 2009 से संचालित अभियान, ऑपरेशन K2 नक्सल के विरोध अभियान, जानिए रहे हम। अब हम लोग दोस्तों देखिएगा ऑपरेशन जंगल के बारे में जानेंगे। बेसिकली देख लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी ये ऑपरेशन चलाए गए लगभग नक्सल विरोधी अभियान ही है, गढ़वा जिला में संचालित नक्सल विरोधी अभियान। अब यहाँ पर ये है कि आपको जिला भी याद रख लेना है कि गढ़वा में, पश्चिमी सिंहभूम में, सारंडा जंगल में, ये सब अलग अलग स्थान पर कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए पुलिस विभाग के द्वारा, वो आपको याद रखना है ना। गढ़वा जिला में चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान क्या है, ऑपरेशन जंगल। ऑपरेशन अग्निदूत पलामू व आसपास के क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियान, यानी ये पलामू के क्षेत्र में संचालित नक्सल विरोधी अभियान था। ऑपरेशन जाल के बारे में देखिए, 2013 में बेंदी के जंगलों में नक्सली के विरुद्ध चलाया गया अभियान जिसमें राज्य के डीजीपी भी शामिल हुए, ये पहली दफ़ा था जब राज्य के डीजीपी 2013 के, है ना, वो शामिल हुए इस प्रकार के अभियान में। लातेहार में एक बेंदी नामक जगह पड़ता है जो काफ़ी नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां पर डीजीपी ने क्या किया, खुद से लीड किया था इस अभियान को, ऑपरेशन जाल को, है ना, कि जाल है, जाल में फंसाएगा नक्सली, तो इस तरह से नाम भी रखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन खोज वर्ष 2013 में लातेहार जिला में नक्सलियों के विरुद्ध इसको चलाया गया कि नक्सलियों को खोज खोज कर हम लोग मुख्य धारा में जोड़ेंगे बेसिकली, है ना। ऑपरेशन सामना पलामू लातेहार क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध, देखिए अभी तक जितने भी बताए मैंने नक्सलियों के विरुद्ध ही बताए, लेकिन आपको बड़ा अच्छा से याद रखना है कि नीचे कुछ भी ऐसे भी हैं जो नक्सलियों के विरुद्ध नहीं है, और वहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है ऑपरेशन एनाकोंडा 1 और ऑपरेशन एनाकोंडा 2। अब एनाकोंडा इसका क्या नाम रखा गया, एनाकोंडा एक सांप की प्रजाति है जो बहुत बड़ी प्रजाति है दोस्तों, और इसको सारंडा के जंगलों में नक्सलियों को, जो सारंडा के जंगल एशिया के सबसे घने जंगल है एक तरह से, और वहाँ पर नक्सली के छुपने का बड़ा अच्छा जगह, और नक्सली बहुत पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित एरिया है, है ना, तो वहाँ पर एनाकोंडा 1 और एनाकोंडा 2, एनाकोंडा का संबंध अगर आए ऑपरेशन एनाकोंडा, तो आपको जानना है कि सारंडा में नक्सलियों के विरुद्ध ये अभियान चलाए गए थे, एनाकोंडा 1 और एनाकोंडा 2। ऑपरेशन नई दिशा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कई नक्सलियों को ये प्रोत्साहित किया जाता था कि आप क्या है, आप आइए और आप मुख्य धारा में शामिल होइए, आपको कोई भी सजा वगैरह नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप सुधर जाइए, इससे झारखंड का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, नक्सल प्रभावित एरिया में कोई भी फैक्ट्री वगैरह या तो कोई विदेशी कंपनी आने के लिए नहीं राजी होती, इन लोग इतना लेवी जारी कर देता है ना, इतना लेवी जारी कर देता है, जैसे टंडवा का अम्रपाली देख लीजिए, वहाँ के जो गुंडे वगैरह हैं उन लोग क्या करते हैं कि इतना लेवी जारी किया, तो अम्रपाली जैसे सरवाइव कर रहा है ना, लेकिन कोई बाहरी कंपनी जाए तो अम्रपाली का भी देख लीजिए आप क्या करता है कि बहुत सारा पोपलेन वगैरह, बहुत सारा जेसीबी वगैरह जला देता है, तो इसका नुकसान का भरपाई कौन करेगा, या नुकसान इतना कौन बर्दाश्त करेगा। है झारखंड में बहुत धन संपदा है, झारखंड में बहुत खनिज संपदा है, हर प्रकार का व्यवस्था है जो फैक्ट्री लगाया जा सकता है, लेकिन नक्सलियों के होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाता, और ये पुलिस विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि नक्सल प्रभावित एरिया को क्या करे, समाप्त करे। तो ऑपरेशन नई दिशा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए थी। ऑपरेशन कॉम्ब, ये देखिए अलग है थोड़ा सा, इसमें क्या है
कि धनबाद जैसे स्टेशनों पर, धनबाद वगैरह जैसे स्टेशन पर, धनबाद बोकारो का जो स्टेशन है दोस्तों, वहाँ पर डकैती बड़ी ज़्यादा होता था रात बिरात में। तो उन डकैतों को पकड़ने के लिए, एक तरह से इस घटना को कम करने के लिए, है ना, धनबाद के रेलवे स्टेशनों को डकैती से रोकने के लिए ऑपरेशन कॉम्ब चलाया गया। ऑपरेशन जस्टिस, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन जस्टिस चलाया गया था कि मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित हो, इससे कम में मजदूर काम नहीं करेंगे, अन्यथा आप पर क्या हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा अगर किसी को पकड़ा गया तो। इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन टोडरमल, भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान। अब देखिए, टोडरमल को जब्ति प्रणाली या भूमि सुधार के लिए जाना जाता है अकबर के समय में, है ना, वित्त मंत्री थे अकबर के, दीवान थे। तो बेसिकली टोडरमल से आपको याद रखना है कि भूमि संबंधी सुधार के लिए, है ना, भूमि संबंधी। बेसिकली झारखंड में क्या होता है दोस्तों कि बहुत भूमि का विवाद रहता है, जैसे एससी एसटी का भूमि है, सीएनटी एक्ट का भूमि है, खुटकट्टी भूमि है, सब पर बड़ा विवाद रहता है। तो भूमि सुधार अधिनियम, एक तरह से भूमि सुधार अभियान संचालित हुआ था इसके तहत, ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन वरुण, पेयजल की समस्या के समाधान हेतु। वरुण का मतलब होता है जल देवता, और जल देवता से ही क्या है, पेयजल की समस्या के समाधान हेतु, है ना, ध्यान दीजिए। ऑपरेशन धनवंतरी, नकली दवाओं पर प्रतिबंध हेतु। इस ऑपरेशन के तहत विभिन्न मेडिकल स्टोरों में बेचे जा रहे नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, और एक तरह से पकड़े जाते थे, प्रतिबंध क्या, पकड़े जाते थे, उनको सजा दिलवाया जाता था कोर्ट से, है ना। ऑपरेशन मुस्कान, देखिए ऑपरेशन मुस्कान ये झारखंड पुलिस के द्वारा नहीं चलाया गया, बल्कि ये सीआईडी के द्वारा चलाया गया, है ना। जो बच्चों की तस्करी होती थी ना, उन बच्चों को छुड़वा करके और उनके माता पिता को सौंप कर और इनकी संख्या घटाने को लेकर के, कि ज़्यादा तस्करी ना हो, किडनैपिंग ना हो बच्चों का, इसके लिए चलाया गया था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये दो कड़ी, छोटी छोटी कड़ी थी जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये समझ में आया होगा। हम लोग संपूर्ण श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी एस अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि दोस्तों, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।